काफी इंपोर्टेंट सम है, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से इजिली सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा ये जो सम है लॉजिक मांगता है, इस सम्स में आपको अपना दिमाग हल्का सा लॉजिक रखना है और सुनना है ध्यान से जिसे मैं आपको बोल रहा हूं। तो देखिए सर, आपके पास सम क्या है, टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री इक्वल टू पाई है। देखने में ये सम ऐसे लग रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे लग रहा है कि इसमें कैसे सोल्व करेंगे हम, यहां पर क्या लगाएं। डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाइए, आप उसमें फंस जाएंगे। आपको यहां से थोड़ा लॉजिक सीखना है। कैसे लॉजिक सर, आप वन को कुछ बदल सकते हैं? हाँ, वन को आप चेंज कर सकते हैं, और वन को चेंज करके आप वन के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर। तो मैंने यहां पे लिखा है टेन इनवर्स, और इस वन को चेंज करके मैंने यहां पर क्या लिख लिया है, टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या रहती है, वन रहती है प्लस। अब सोचिए सर, आप ध्यान दो, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर आप ये वाले फॉर्मूले में ध्यान देते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये दोनों के दोनों प्लस होकर ये क्या बनते हैं, पाई बाई टू बन जाते हैं, बनते हैं ना दोनों। तो आप यहां से क्या करिए, टेन इनवर्स टू प्लस कोट इनवर्स टू इक्वल टू क्या बनेगा, पाई बाई टू। तो टेन इनवर्स टू की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, वो निकलेगी पाई बाई टू, और यहां से कोट इनवर्स एक्स उधर गया, यानी कि माइनस आपके पास क्या आ गया, कोट इनवर्स टू। बात समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही काम किसके साथ करना है, आपने टेन इनवर्स पाई, टेन इनवर्स थ्री के साथ। जब आप टेन इनवर्स थ्री को देख रहे हैं तो क्या आएगा, मान लीजिए थ्री है, यहां पर भी थ्री है, तो टेन इनवर्स थ्री बराबर क्या होगा, पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स थ्री। तो हम यहां पर लिखेंगे पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स थ्री। हम यहां पर किसको सोल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हुए। तो हमारे पास यहां पर ये ऑप्शन आ चुका है। अब आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर क्या रह गया है, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू, आपके पास ये ऑप्शन है, प्लस पाई बाई टू ये रह गया है, और अब आपके पास यहां पे रह गया सर कोट इनवर्स टू प्लस, और एक माइनस है सॉरी यहां पर, तो कोट इनवर्स थ्री। तो ये आपके पास ऑप्शन रह चुका है। देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया ना काम। आप क्या करिए, यहां पर इन सब का एलसीएम ले लीजिए, आपने इनका एलसीएम लिया फोर, तो ये आ गया पाई प्लस टू पाई प्लस टू पाई, और यहां पर आपने माइनस को कॉमन लिया, तो आपके पास क्या रह गया है, आपके पास ये रह गया है कोट इनवर्स टू प्लस, माइनस बाहर चले गया है, कोट इनवर्स थ्री। अब आपको समझना है सर, बिल्कुल सिंपल है, दो दो चार और एक पांच, ये पांच पाई फाइव पाई वाई फोर हो गया है, और माइनस यहां पर आप देखिए, आप बिल्कुल आसानी से बदल सकते हैं। क्या मैंने आपको कई बार ये रिमाइंड कराया है कि अगर आपको बदलना है, जैसे कि कोट इनवर्स एक्स है आपके पास मान लीजिए, और आप कोट इनवर्स एक्स को बदलना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वन बाई एक्स। सिमिलरली अगर टेन इनवर्स एक्स को बदलना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स वन बाई एक्स। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि कोट के प्लेस में टेन के टर्म में ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या आ गया है, ये टेन इनवर्स, मेरी बात समझे ना, टू बाई वन का क्या हो जाएगा, वन बाई टू, और प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री। अब देखिए सर, अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अब आप फॉर्मूला एप्लीकेबल कर लीजिए। कौन सा वाला फॉर्मूला आपने एप्लीकेबल करना है, आपने फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है टेन इनवर्स एक्स, याद होगा ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आपकी बुक में भी कई बार यूज हुआ है, इक्वल टू किसके रहता है, ये रहता है टेन इनवर्स हमारे पास है एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इसके इक्वल रहता है। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पर सोल्व करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आ गया है, इससे आगे आप यहां पर देख लीजिए, तो ये आया है सर फाइव पाई बाई फोर और माइनस टेन इनवर्स, और आप यहां पर ए आपके पास क्या है, एक्स आपके पास है वन बाई टू, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो पहले मुझे क्या लिखना है, एक्स लिखना है, और एक्स कितना है मेरे पास वन बाई टू, प्लस वाई कितना है वन बाई थ्री, वन माइनस एक्स यानी वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई थ्री, तो कितना ऑप्शन आ गया है, ये आ गया फाइव पाई बाई फोर और माइनस टेन इनवर्स
चलिए एलसीएम ले लेते हैं, टू और थ्री का एलसीएम कितना हो गया हमारे पास, सिक्स। यहाँ पे टू से डिवाइड करिए, थ्री प्लस टू, और यहां पर ऑप्शन आ गया है वन माइनस वन बाई सिक्स, तो ये आ गया है सर आपका फाइव पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स, और ये हो गया फाइव बाई सिक्स, और यहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं सिक्स में से वन गया, ठीक है फाइव बाई सिक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो गया फाइव पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स वन, और वन के प्लेस में आप ब्रदर क्या लिख सकते हैं, आपने इस वन को वन के प्लेस में आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, तो ये आ गया फाइव पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, ये आ गया, और ये आपके पास कितना रहता है जी, ये हो गया है फाइव पाई बाई फोर, ये ऑप्शन आ गया फाइव पाई बाई फोर माइनस, और ये रह गया है पाई बाई फोर, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, एलसीएम आपने लिया तो आपके पास एलसीएम फोर आ गया, फाइव पाई माइनस पाई दैट इज आपके पास कितना आ गया है फोर पाई, फोर पाई बाई फोर, फोर से फोर काट लीजिए इक्वल टू कितना आ गया है पाई, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई होप ये जो इजी सम था इजी तरीके से सोल्व करने में आपको काफी अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा कुछ है हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।